नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी शो के एपिसोड नंबर 26 में, जहां पर हम बात करते हैं लेटेस्ट साउथ मूवी न्यूज़ और कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स की। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं थलापति विजय से। एज वी नो कैरियर के इतने पीक समय में, जब से थलापति विजय ने पॉलिटिक्स में जाने का डिसीजन लिया है, तभी से उनकी लास्ट फिल्म को लेकर मार्केट में काफ़ी हाइप बनी हुई है। फिलहाल तो इस समय थलापति विजय डायरेक्टर वेंकट प्रभु के निर्देशन में बन रही द गोड फिल्म की शूटिंग में व्यस्त है। इसके अलावा भी थलापति विजय ने अपनी 69th फिल्म के लिए कमिटमेंट दे रखी है। दोस्तों यानी कि द गोड के बाद थलापति विजय की एक और फिल्म रिलीज होगी, और जिस तरह से इन फिल्मों को थलापति विजय की लास्ट फिल्मों के तौर पर ब्रांडिंग की जा रही है, डेफिनेटली ये फिल्में जब रिलीज होंगी तो एक हिस्ट्री रिकॉर्ड सेट करेंगी। वैसे रिपोर्ट ये बताई जा रही है कि थलापति विजय की जो लास्ट फिल्म होगी वो एक पॉलिटिकल ड्रामा होगी, और मे बी हो सकता है कि इस फिल्म को एच विनोद डायरेक्ट करेंगे। आपको बता दूं, इसी पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म के बाद थलापति विजय पॉलिटिक्स में अपनी एंट्री करेंगे। फिलहाल इस समय थलापति विजय के बाद तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री के कई नामी डायरेक्टर्स के प्रपोजल हैं। अब थलापति विजय 69 फिल्म के तौर पर किस डायरेक्टर की फिल्म को साइन करेंगे, ये देखना अभी बाकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पॉलिटिक्स में जाने के बाद थलापति विजय फिल्मों से पूरी तरह से संन्यास ले लेंगे। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि 2026 का जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट के बाद इस पर कुछ कहना सही होगा। फिलहाल जहां तक मैं सोचता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि थलापति विजय कुछ सालों के बाद डेफिनेटली फिल्मों में अपनी वापसी तो करेंगे। वैसे क्या आपने सोचा है कि थलापति विजय के जाने के बाद एलसीयू यूनिवर्स का क्या होगा? एज वी नो कि लियो एलसीयू यूनिवर्स का एक बहुत ही इंटीग्रेटेड पार्ट है। आपको बता दूं, रिपोर्ट्स इस तरह से निकल कर आ रही हैं कि थलापति विजय के पॉलिटिक्स में जाने के बाद ये जो 2 से 3 सालों का गैप होगा, इसमें आपको थलापति विजय के कई फिल्मों में कैमियो देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो डायरेक्टर लोकेश कनकराज ने कैथी 2 और विक्रम 2 के लिए थलापति विजय का कैमियो शूट करके रखा है। ऐसे में इतने गैप के बाद जब किसी फिल्म में थलापति विजय का कैमियो होगा, तो आप सोच के देखिए फैंस उस फिल्म के लिए कितना क्रेजी होंगे। थलापति विजय इस फिल्म का हिस्सा है या नहीं, ये बात उस फिल्म के लिए कितनी बेनिफिशियल होगी। और अगर वाकई थलापति विजय उस फिल्म का हिस्सा हुए तो ये चीज़ फैंस के लिए डबल ट्रीट होगा। खैर नेक्स्ट बात करते हैं थला अजीत कुमार की। दोस्तों थलापति विजय के बाद थला अजीत कुमार के लाइनअप्स भी काफ़ी तगड़े हैं। फिलहाल इस समय अजीत कुमार अपनी 62 फिल्म यानी कि विदा म्यूर्ची की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसके बाद इनकी जो अगली फिल्म होगी AK-63, उसे अधिक रविचंद्रन और AK-64 को KGF फेम डायरेक्टर प्रशांत नील डायरेक्ट करेंगे। इसके बाद अभी अजीत कुमार की 65 फिल्म की भी अपडेट निकल कर आ चुकी है। दोस्तों रिपोर्ट की माने तो AK-65 को डायरेक्टर शिवा डायरेक्ट करेंगे। आपको बता दूं, शिवा वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने अजीत कुमार के साथ इससे पहले वीरम, वेदलम, विवेकम और विश्वासम जैसी फिल्में बनाई। अगर ये दोनों एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी दोबारा से ऑन बोर्ड होते हैं तो ये इनका 5th कोलैबोरेशन होगा, और इन एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी से ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन काफी हाई तो रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं रॉकिंग स्टार यश की। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि यश इस समय डायरेक्टर गीतू मोहनदास के निर्देशन में बन रहे टॉक्सिक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। दोस्तों ये फिल्म 2024 में रिलीज होगी। अभी फिलहाल ये रिपोर्ट निकल कर आई है कि इस फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो के लिए शाहरुख खान को अप्रोच किया गया है। फिलहाल शाहरुख खान इस फिल्म में कैमियो करने के लिए रेडी होंगे या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन डेफिनेटली उन्हें इतना तो याद होगा कि यश वही हीरो है जिसने क्लैश में 0 फिल्म को बीट किया था। खैर नेक्स्ट बात करते हैं संदीप रेड्डी वांगा की। दोस्तों एनिमल के सक्सेस एक तरफ और एनिमल का क्रिटिसिज्म दूसरी तरफ। जहां एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस ने इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, वहीं एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस ऐसी भी रही जिसने इस फिल्म को काफ़ी क्रिटिसाइज किया, और इसमें इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के नाम शामिल थे। रिसेंटली जावेद अख्तर साहब ने कहा कि इस तरह की फिल्मों का चलना समाज के लिए बहुत ही खतरनाक इंडिकेशन है। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा जो अपनी बेबाक स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी फिल्मों की तरह यहां पर भी खुल के अपना ओपिनियन रखा। उन्होंने कहा कि जावेद अख्तर साहब को अपने बेटे फरहान अख्तर को देखना चाहिए जिन्होंने इससे पहले मिर्जापुर सीरीज प्रोड्यूस करी, और इवन सोशल मीडिया पर आमिर खान का जो पुराना वीडियो बहुत दिनों से सर्कुलेट हो रहा था, उस पर संदीप रेड्डी वांगा ने कहा कि आमिर खान का ही एक गाना है जिसके लिरिक्स हैं खंबे जैसी खड़ी है लड़की या फुलझड़ी है उसकी याद दिला दी। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा अपनी फिल्मों की तरह रियल लाइफ में भी उसी तरह की बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में
अपनी राय जरूर दीजिए। खैर नेक्स्ट बात करते हैं तमिल सुपरस्टार सूर्या की। एज वी नो सूर्या इस समय तमिल इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्टर हैं जिनके पास हिस्टोरिक फिल्मों की लाइन लगी हुई है। फिलहाल इस समय सूर्या डायरेक्टर शिवा के निर्देशन में बन रही कंगवा फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं जो कि एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है। इसके बाद इनकी फिल्म डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ होगी जो कि कर्ण की लाइफ पर बेस्ड होगी। वहीं इनकी तीसरी हिस्टोरिक फिल्म की भी अपडेट निकल कर आ चुकी है। वैसे आपको बता दूं अगर आप हमारे चैनल को काफ़ी लंबे समय से फॉलो करते हो तो हमने एक वीडियो में कहा था कि इनकी जो ये फिल्म है कंगवा ये वेलपारी नाम के राजा की लाइफ पर बेस्ड होने वाली है। यहाँ पर करेक्शन है, एक्चुअली ये फिल्म वेलपारी की लाइफ पर बेस्ड बिल्कुल भी नहीं होगी। दरअसल करीब एक साल पहले सूर्या की कंपनी 2D एंटरटेनमेंट ने वेलपारी की लाइफ पर फिल्म बनाने के लिए राइट्स खरीदे थे। उसी के बाद से ये स्पेकुलेशन लगाई जाने लगी थी कि सूर्या की ये जो फिल्म होगी कंगवा ये वेलपारी की लाइफ पर ही बेस्ड होगी। हालांकि अब जो वेलपारी पर एक दूसरी फिल्म की अपडेट निकल कर आ रही है उससे ये कन्फर्म हो चुका है कि जो कंगवा जो है वो वेलपारी की लाइफ पर तो बिल्कुल भी बेस्ड नहीं होने वाली। हालांकि सूर्या वेलपारी की लाइफ पर बेस्ड एक फिल्म में काम जरूर करेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्टर एस शंकर को अप्रोच किया गया है। अगर ये कॉम्बो काम करता है तो सूर्या और एस शंकर का कोलेबरेशन डेफिनेटली कुछ नया धमाका तो इंडस्ट्री में करेगा। वैसे इस समय डायरेक्टर एस शंकर रामचरण के साथ गेम चेंजर नाम की फिल्म बनाने में व्यस्त हैं और इसके बाद इनकी इंडियन 2 भी रिलीज होगी। खैर नेक्स्ट बात करते हैं प्रभास की फिल्म कल्कि की। दोस्तों देवरा के पोस्टपोन होने के बाद तेलुगु इंडस्ट्री का समर खाली खाली है। किसी भी बड़े स्टार की कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हो रही। ऐसे में ट्रेड पंडितों की नज़र सिर्फ एक ही फिल्म पर है और वो है प्रभास स्टारर कल्कि 2898 AD। ऐसा माना जा रहा है कि इस समर इंडस्ट्री के खालीपन को यही फिल्म पूरा करेगी। आपको बता दूं इस फिल्म की एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, वो ये है कि इस फिल्म में दो बड़े स्टार्स का कैमियो होने वाला है। एक है दुलकर सलमान और दूसरे हैं विजय देवराकोंडा। नेक्स्ट बात करते हैं मास महाराजा रवि तेजा की। दोस्तों रवि तेजा की लास्ट रिलीज टाइगर नागेश्वर राव उम्मीद के मुताबिक बिजनेस नहीं कर पाई थी। अब फिलहाल ये अपनी अगली रिलीज लेकर आ चुके हैं जो कि है ईगल। ये फिल्म 9 फरवरी को रिलीज होने वाली है। आपको बता दूं पहले ये फिल्म संक्रांति 2024 पर रिलीज हो रही थी लेकिन इंडस्ट्री के भले के लिए इन्होंने अपनी फिल्म को आगे पोस्टपोन कर दिया। रिसेंटली रवि तेजा ने इस फिल्म का प्रीमियर शो देखा और फिल्म के देखने के बाद इन्होंने फिल्म के डायरेक्टर को गले से लगाया और धन्यवाद दिया। रवि तेजा इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें जिस तरह से प्रेजेंट किया है आज तक किसी भी डायरेक्टर ने प्रेजेंट नहीं किया और उनके फैंस डेफिनेटली उन्हें इस तरह के रोल में काफी ज्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लाल सलाम की। दोस्तों लाल सलाम विष्णु विशाल और विक्रांत जैसे एक्टर से सजी फिल्म है जिसे रजनीकांत साहब की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत डायरेक्ट कर रही है। रजनीकांत साहब का इस फिल्म में कैमियो होगा और यही इस फिल्म का मेजर प्लस पॉइंट है जिनके होने से इस फिल्म को लार्जर रीच मिलेगी। दोस्तों आपको बता दूं रिसेंटली इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। ट्रेलर वाकई इंप्रेसिव था। दोस्तों इस ट्रेलर को देखकर मुझे सरपट्टा परम्बरे की याद आ गई। ये भी एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जहां पर हमें एक पॉलिटिकल टच देखने को मिलेगा। ये फिल्म 9 फरवरी को रिलीज हो रही है और अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रजनीकांत साहब के होने से इस फिल्म का बिजनेस कितना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं तेजा सज्जा की। दोस्तों इनकी लास्ट रिलीज हनुमान ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और इसी के साथ इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की वर्डिक्ट मिल चुकी है। इस तरह PVCU की एक शानदार शुरुआत हुई। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिली कि जनवरी महीने में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले एक्टर थे तेजा सज्जा। जी हाँ, तेजा सज्जा को जनवरी महीने में सबसे ज्यादा सर्च किया गया और इवन इनके सर्च वैल्यू ने महेश बाबू, प्रभास, विजय और कमल हसन जैसे बड़े एक्टर्स को भी बीट कर दिया और ये टॉप पर रहे। नेक्स्ट बात करते हैं बेबी जॉन की। डेफिनेटली इस टाइटल को देखकर आपको जॉन विक की याद तो आ ही गई होगी। आपको बता दूं ये वरुण धवन की 18 फिल्म का ऑफिशियल टाइटल है जिसे एटली कुमार एंड टीम डायरेक्ट कर रही है। डेफिनेटली एटली कुमार के होने से इतना तो पक्का हो ही गया है कि ये वरुण धवन के कैरियर की बिगेस्ट मास एक्शन फिल्म होगी जहां पर हमें एक्शन हॉलीवुड टाइप का देखने को मिलेगा। आपको बता दूं जिस तरह के इस फिल्म के फर्स्ट ग्लिम्स निकल कर आए हैं डेफिनेटली ये फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। आपको बता दूं थलपति विजय की फिल्म थेरी की ऑफिशियल रीमेक बताई जा रही है। अब यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डायरेक्टर एटली कुमार इसमें क्या कुछ बदलाव करते हैं।
लास्टली बात करते हैं दुलकर सलमान की। दोस्तों दुलकर सलमान ओनली एक्टर हैं जिन्होंने सही मायने में लैंग्वेज बैरियर को तोड़कर वर्सटैलिटी दिखाई है। आई मीन आप इनके पिछले सीक्वेंस को देखिए, पहले इन्होंने हे सीना मिक्का नाम की तमिल फिल्म में काम किया, इसके बाद इनकी एक फिल्म आई थी सैल्यूट जो कि मलयालम फिल्म थी, फिर इन्होंने सीतारामम में काम किया जो कि तेलुगु फिल्म थी, और इसके बाद इन्होंने हिंदी फिल्म में काम किया जो कि थी चुप। अब ठीक उसी तरह इन्होंने अभी किंग ऑफ कोठा नाम की मलयालम फिल्म में काम किया, इसके बाद इन्होंने गुलाब एंड गंस नाम की हिंदी सीरीज में काम किया, अब इनकी एक तेलुगु फिल्म आ रही है जिसका नाम है लकी भास्कर, और इसके बाद ये ठग लाइफ करके तमिल फिल्म में नजर आएंगे। आप देख रहे हैं कि इन्होंने अपने कैरियर में कितनी वर्सटैलिटी से लैंग्वेज बैरियर को तोड़ा है, और सही मायने में तो इन्हें ही पैन इंडिया सुपरस्टार कहना चाहिए, क्योंकि ये ओनली एक्टर हैं जो हर लैंग्वेज में सक्सेसफुल फिल्म दे रहे हैं। फिलहाल इनकी फिल्म लकी भास्कर का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज हो रहा है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली इसके कंटेंट में कुछ तो नया जरूर देखने को मिलेगा। खैर ये रहा हमारा हैशटैग FB26। आई नो काफ़ी लंबे समय के बाद हमने इस सीरीज़ को रिवाइव किया है, लेकिन अब आपको डेफिनेटली वीक में एक बार इस सीरीज़ का एक वीडियो तो देखने को मिलेगा। खैर आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।